खबर मिर्जापुर से, आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है। दो तीन अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरी, जिसके चलते कहर देखने को मिला है। आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हुई है। एक स्थान पर आकाशीय बिजली गिरने से आग भी लगी है। तो आकाशीय बिजली ने अपना विकराल रूप दिखाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रमनगंज क्षेत्र में बुरबरा खुर्द महेशपुर कोल्हा में का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है। तीन अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे भारी नुकसान देखने को मिला है। आपको बता दें कि दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं एक स्थान पर आकाशीय बिजली गिरने से आग भी लगी है। खबर जालौन से है। गेहूं के खेत में भीषण आग लगी है। हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से गेहूं के खेत में आग लगी है। तो लगातार गेहूं के खेतों में आग लगने का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां गर्मी बढ़ रही है, उधर आग के किस्से भी बढ़ते जा रहे हैं। गेहूं के खेत में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगने से 5 बीघे के गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। वहीं किसान को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा है। सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची है। कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम मुमताज जवाद का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां हाई टेंशन लाइन से चिंगारी गिरने के बाद 5 बीघे गेहूं के खेत में भीषण आग लगी है। खबर अमरोहा से है। पुलिस ने शातिर अपराधी को जिला बदर किया है। शातिर बदमाश को गिरफ्त में लिया है। मुनादी कराकर पुलिस ने जिला बदर होने की सूचना दी है। जिले में दिखाई देने पर कार्रवाई की चेतावनी भी पुलिस ने दी है। कई गंभीर धाराओं में आरोपी प्रवेश चल रहा है, जिसकी शिनाख्त में लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। देहात थाना क्षेत्र के गांव लालू नंगला का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां शातिर बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने शातिर अपराधी को जिला बदर किया है। जिले में दिखाई देने पर शातिर बदमाश के लिए कार्रवाई करने की भी अनाउंसमेंट की है पुलिस ने। यदि जिले में आरोपी दिखाई देता है तो कार्रवाई की चेतावनी पुलिस प्रशासन ने दी है।